नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। बीजेपी अध्यक्ष गाजीपुर से भीषण 2024 का बिगुल फूकेंगे। पिछले चुनाव में हारी गाजीपुर सीट पूर्वांचल में सबसे अहम बनी। आगरा स्टेशन पर लंगूर के कटआउट लगाएं, बंदरों को भगाने के लिए रेलवे की पहल, लंगूरों की आवाज में भी साउंड गूंजेगी। मौसी को डंडों से पीटा बीमार, बहन को देखने पहुंची थी, धक्का देकर घर से बाहर निकाला, बोला आज मार डालेंगे। चाकू से गोद कर छात्रा की हत्या, मेरठ में बीच सड़क पर स्टूडेंट ने दौड़ा दौड़ा कर मारी चाकू, अफेयर में हुआ था झगड़ा। मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी सुपीरियर क्लास की सुविधा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द किया। झांसी में स्कूल के कर्मचारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा था दो महिला और युवक ने टॉर्चर किया। वाराणसी में साड़ी कारोबारी का मर्डर, हनी ट्रैप में फंसाया गया, फिर किडनैप किया, 20 लाख की फिरौती मांगी। हापुड़ में कार तालाब में गिरी, चार की मौत, बंद होंडा सिटी में मिले शव, देर रात हुआ हादसा, लोगों को जानकारी सुबह हुई। भदोही में गोली मारकर किशोरी की हत्या, खेत में शव करने गई थी, अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, दो की हालत गंभीर, बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा, कार में चार लोग सवार थे। मेरठ में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंची पीड़िता, मुकदमे का आदेश। लखीमपुर में किसानों का प्रदर्शन, क्रमिक अनशन पर बैठे किसान, बोले बकाया का एक एक पैसा न मिले तक जारी रहेगा धरना। सीतापुर में कोहरे के चलते खाई में पलटी कार, कार सवार आठ लोग घायल, पांच की हालत गंभीर, पीलीभीत से आ रहे थे सभी। बाकी बिहारी कॉरिडोर का नहीं थम रहा है विरोध, स्थानीय लोगों ने किया बुद्धि शुद्धि हवन। बागपत में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोली गेहूं की फसल को कर रहे हैं बर्बाद। फिरोजाबाद में सहकार भारती का स्थापना दिवस, डीएम बोले स्वरोजगार के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है संस्था। हिंदुओं को भ्रमित करने वाले बिहेव की चेतावनी, प्रयागराज में संगठन मंत्री बोले माघ मेला हिंदू संस्कृति की एकता का प्रतीक। फिरोजाबाद में प्रधान संघ ने किया प्रदर्शन, 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा। मेरठ में आरोपी बेटे को थाने लेकर पहुंचा पिता, कार्तिक हत्याकांड में शामिल बेटे को पिता ने पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में किसान की करण से मौत, पुलिस बोली मौत की वजह संदिग्ध, ट्यूब मेल में काम करते समय हुआ हादसा।
गाजियाबाद में रोटी पर थूकने वाला नसरुद्दीन गिरफ्तार, हिंदू रक्षा दल बताया धर्म भ्रष्ट करने वाला काम। शाहजहांपुर में 40 कबूतर मिले पड़े मिले, पड़ोसी पर दाने में जहर देकर मारने का आरोप, बिल्ली गायब होने पर हुआ था विवाद। आगरा में G20 मैराथन में शामिल हुए हजारों लोग, राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले गुंडे माफियाओं को राजस्थान सरकार दे रहे संरक्षण। मेरठ में महिला कलर रिश्वत लेते गिरफ्तार, यूपीएफसी के प्रभारी ने पूर्व सैनिक को सर्टिफिकेट देने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। सिद्धार्थनगर में 3 छात्र चोर गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की बैटरियां और ऑल्टो कार की बरामद, सीओ ने टीम को किया पुरस्कृत। चंदौली में डीएम व एसपी ने पश्चिम वाहिनी बलूटा घाट का किया निरीक्षण, मौनी अमावस्या पर्व को लेकर घाटों का किया गया निरीक्षण। कानपुर के घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग, आग की लपटों से मचा गांव में हड़कंप, आगे से कोई जनहानि नहीं हुई। मेरठ में सॉल्वर गैंग की सूचना पर एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, एक शातिर को किया गिरफ्तार। कानपुर के थाना अनवरगंज पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने चोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 को दबोचा। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मांग को बोर्ड ने किया खारिज। आगरा पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का किया खुलासा, एसजीओ ने 3 सदस्य को किया गिरफ्तार। अमरोहा के रामाबाई डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर काटा हंगामा, कॉलेज में शौचालय न होने के कारण छात्राओं ने किया हंगामा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज, राजूदास के खिलाफ मारपीट व धमकी का लगा आरोप। फिरोजाबाद में आगामी 11 फरवरी को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, अदालत में अधिक से अधिक मामलों का होगा निस्तारण। गाजियाबाद जिला एमएमजी हॉस्पिटल घंटाघर पर गिरी पैथोलॉजी लैब की छत, घटना से अस्पताल के कर्मचारियों को लगी चोटें। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस गोवंश की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कानपुर की छात्रा भूविका कपूर व आद्रिका गुप्ता ने जीता पदक, सीबीएसई नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। फिरोजाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध शराब को कराया गया नष्ट, पुलिस ने अभियान से बरामद 7,000 लीटर अवैध शराब किया। यूपी पुलिस आवासीय निर्माण निगम लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, सपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार करने का आरोप। रायबरेली में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 भागने में रहे कामयाब। संभल में गाड़ी ठीक करते समय अचानक आग लगी, कार में आग से जलकर गाड़ी हुई खाक। आगरा में दबंग को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट, दबंगों ने की हाथापाई, मिडाकुर चौकी इंचार्ज हुए घायल।
और अया में उमरेन पब्लिक स्कूल के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर सनसनी मौके पर पहुंची सीओ सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रही। बांदा में घर के अंदर पहुंचा दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध। गिद्ध लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। विभाग ने दी गई सूचना इसको लेकर। बुलंदशहर में ओवरलोड डग्गामार बस का वीडियो वायरल। हाईवे पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे यात्री। गाजियाबाद में घर में अलाव जलाकर सो रहे युवक की झुलसने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में दबंगों ने डॉक्टर डीपी सिंह के भाई सहित हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में रोडवेज बस में सीट पर बैठने को लेकर भिड़े यात्री। यात्री ने अपने साथियों को बुलाकर यात्रियों को पीटा। लखनऊ में 3 आईएएस अधिकारी का हुआ स्थानांतरण। चंद्रभूषण सिंह को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। कानपुर में आमने सामने 2 कारों में टक्कर। हादसे में बची महिला समेत कई लोग घायल। सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। यूपी एसटीएफ को मिली सफलता। अंतर्राज्यीय स्तर पर वाहन चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। कानपुर पनकी एसीपी को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप पर मारपीट के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के मितौली तहसील प्रशासन की गुंडागर्दी। पत्रकार द्वारा एसडीएम से हनी पर दी प्रशासन द्वारा धमकी। सहारनपुर में असम में हुई हिंदू कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का बड़ा दावा। कहा प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव की 5 सीट पर जीत दर्ज करेगी सपा। बुरखा पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में नहीं दी एंट्री। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी से लागू है ड्रेस कोड। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष की जमानत का यूपी सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कौशाम्बी में पूर्व चेयरमैन समेत 6 पर मुकदमा। गिरोहबंदी और समाज विरोधी काम करने के आरोप में कार्रवाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिलाई गई शपथ। सराय सुल्तानी में ड्रोन से निगरानी जारी। पुलिस की 5 टीमें कर रही मामले की जांच। इलाके में 26 पॉइंट बनाकर रखी जा रही नजर। अमेठी में डीएम ने की बैठक। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश। शामली में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग। ठेकेदार ने हठधर्मिता करते हुए जबरदस्ती लगाई घटिया सामग्री। बेटे ने मां की बेड से गला घोट कर की हत्या। मामूली कहा सुनी के बाद हुआ था विवाद। बचाने गए पिता पर भी किया हमला।
सुल्तानपुर में 1.5 साल की बच्ची को भेड़िए ने मारा। बाग में तिरपाल डालकर रहता था घुमंतू परिवार, रात में उठा ले गया जंगली जानवर। बरेली में घरतौली को लेकर डीएम के निर्देश, कहा चीनी मिलों पर गन्ना अधिकारी घरतौली बंद कराएं। फिरोजाबाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से था बीमार, परिजन बोले आगरा में इलाज करा रहे थे। अर्जुन अवार्डी दिव्या काकरान ने किया ब्रजभूषण का समर्थन, कहा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। इटावा स्टेशन पर रेप के मामले में सफाई कर्मचारी सस्पेंड, ट्रेन में नाबालिग से हुई थी दरिंदगी। सपा एमएलए इरफान के हाईकोर्ट से जमानत खारिज, घर फूंकने और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में हुई सुनवाई। चित्रकूट में पत्नी की तलाश में भटक रहा है पति, 6 माह पहले गायब हुई थी महिला, पुलिस भी नहीं कर रही है सुनवाई। जोशीमठ की तरह औरैया में भी किए जाएंगे मकान ध्वस्त, जिले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में रहस्यमय तरीके से आई दरार। सोनभद्र में एडवांस कंप्यूटर एकेडमी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि के द्वारा बच्चों को किया गया सम्मानित। लखनऊ में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में नर्सिंग कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भाजपा प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, बोले सैफई कुंबे की आलिशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बुलंदशहर में पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के 1 महिला सहित 6 लोग हुए घायल। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।